Hello from Sri Lanka. We have reached the Bandaranaike International Airport and we've just completed our immigration. We are so ready for you, Sri Lanka. Welcome to Sri Lanka, a country that totally surprised me. सच बताऊँ तो मेरी इस हॉलीडे से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम थी एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू कि मैं बिल्कुल गलत थी. अगर आप जल्दी में हो तो मैंने इस ट्रिप की पूरी आइटनरी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, बट अगर आप हिडन जेम्स देखना चाहते हो तो यू विल हैव टू वॉच द एंटायर वीडियो राइट टू द एंड. दिस हॉलीडे फॉर अस वाज मोर अबाउट रिलैक्सिंग, चिलिंग एंड ईटिंग गुड फूड, और हम हर टूरिस्टी स्पॉट को जाके टिक करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे. सो इफ दैट्स योर काइंड ऑफ हॉलीडे एज वेल, देन दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू. हमारी आइटनरी काफ़ी सिंपल थी, जिसमें हम 4 डेज सदर्न प्रोविंस में रहे एंड 2 डेज कोलंबो में. Let's start with the southern province. We landed at Colombo International Airport, जहाँ से हमने टैक्सी ली स्ट्रेट फॉर आर विला इन साउथ. हमारे विला की लोकेशन हमने बहुत स्ट्रैटेजिकली चूज करी थी. सो वी वॉन्टेड टू विजिट मैनी बीच टाउन्स इन 4 डेज, बट हमें स्टे एक ही जगह पर करना था. गोल एंड ऊनावटूना टू द वेस्ट एंड मिरिसा टू द ईस्ट, ये जगहें सबसे फेमस हैं एंड फॉर वेरी गुड रीज़न. तो हमने विला इन दोनों जगहों के सेंटर में पिक किया इन अ वेरी स्मॉल बीच टाउन कॉल्ड हबरा दुआ. ऑफ पीट लोकेशन होने से द प्राइस वॉज वेरी लो फॉर अ विला दैट वॉज जस्ट अ 10 मिनट वॉक फ्रॉम द बीच. द ओनली थिंग नेगेटिव वॉज कि आस पास खाने का कुछ नहीं था, बट इट डिडंट मैटर बिकॉज टुक टुक पकड़ के आप इजिली इन 10 to 15 मिनट्स दूसरे बीच टाउन पर पहुँच सकते हो. विला पहुंचते ही हमने थोड़ी देर रिलैक्स किया बिकॉज हम पूरी रात ट्रैवल करने के बाद थक चुके थे. हमारा विला बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, तो मैंने इसकी फुल वीडियो बनाई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन गो चेक दैट आउट एज वेल. शाम हो गई है तो हम हमारे विला के सबसे पास वाले बीच पर आ गए हैं, बारादुआ बीच. काफ़ी सॉफ्ट सैंड है इस बीच की एंड इट्स वेरी वेरी सिक्लूडेड अदर देन अ फ्यू शैक्स. एंड बीच पे एक छोटी सी स्ट्रोल लेने के बाद हम लोग अपनी अपनी ड्रिंक्स लेके बैठ गए एंड सडनली थोड़ी देर में द स्काई टर्न ब्लड ऑरेंज एंड वी सॉ स्टनिंग सनसेट ऑन द हबरा दुआ बीच, जिसने बस दिल खुश कर दिया. सनसेट होते ही हमें भूख लगनी चालू हो गई थी, तो वी टुक अ टुक टुक टू अहंगामा. अहंगामा काफ़ी अप एंड कमिंग सर्फर टाउन है और यहाँ मोस्टली हमें कैजुअली ड्रेस्ड वाइट टूरिस्ट ही दिखे. यू विल फाइंड बैक टू बैक कैफेज विद एन एंट्रेंस फ्रॉम द रोड एंड दे ओपन आउट ऑन टू द बीच फॉर अ लवली व्यू. तो वी चोज अ प्लेस कॉल्ड क्रस्ट. यहाँ पे हमने ट्राई किया चिकन हॉट डॉग विच इज मैसिव एंड यम. नेक्स्ट वी हैड चिकन एंड चीज टाकोज विच हैड अ डिलिशियस फ्लेवर बट हार्डली एनी चिकन. द पिज्ज़ा वॉज ब्लैंड एंड माई गेस इज कि ये खाना वाइट टूरिस्ट के पैलेट के लिए ही बना था, सो नॉट सो मच फॉर अस. मेरे लिए पर्सनली हाईलाइट वॉज दिस अराक कॉकटेल. अराक बेसिकली एक श्रीलंकन लिकर है जो कोकोनट फ्लावर के सैप को हैंड कलेक्ट करके बनाई जाती है एंड मुझे हैप्पी हाई करने के लिए 1 ड्रिंक वॉज मोर देन इनफ. डिनर हमने एक लोकल फूड शॉप पे किया विच वॉज राइट ऑपोजिट क्रस्ट. यहाँ का खाना बहुत अच्छा था और सिर्फ 350 रुपये विच इज़ इंडियन रुपीज़ में हम 4 जनों का खाना निपट गया. सो आई टोटली रिकमेंड यू गाइज टू गो एंड ट्राई दिस प्लेस ऑपोजिट क्रस्ट. साउथ प्रोविंस की सबसे फेमस जगह, वेलकम टू गोलफोर्ट. यहाँ का आर्किटेक्चर इज़ अ मिक्स ऑफ पोर्चुगीज एंड डच स्टाइल्स बिकॉज पहले ये पोर्चुगीज़ ने 1588 में बनाया था, बट डच लोगों ने इसको 17th सेंचुरी में रीबिल्ड किया इन देयर ओन स्टाइल. हमारा फर्स्ट स्टॉप था एट किक्सी फॉर अ कॉफ़ी. द ओनर इज़ द बरिस्ता हिमसेल्फ हियर एंड आई जस्ट लव सच कोजी कॉफ़ी शॉप्स. वी हैड अ डिलिशियस पेस्ट्री हियर एंड ऑल्सो सम अमेजिंग कॉफ़ी. वी वॉक थ्रू द टाउन एंड रीच द ओशन फ्रंट. यहाँ का लाइट हाउस बहुत फेमस है एंड ऑलमोस्ट हर फोटो ऑफ गोलफोर्ट में ये चमकता है. एट दिस गॉर्जियस व्यू, वाओ.
That is the lighthouse. You can go down to the beach also. Some people are there. And I think now it's time for us to go to that viewpoint. Chalo chale. Amazing view. I think Golf Fort is one of my favorite places that we've been to on this trip. I don't know color aapko dikh raha hai ya nahi Sika, but it's like a beautiful green. Abhi sun is not out, it's about to rain, so aapko jo color dikh raha hai is darker than what it actually is, but it's a beautiful, beautiful green. This is a jumping point, and then you jump and you can go all the way down there. And hum to wapas nahi milenge agar humne aisa kar liya to hum aisa nahi karne wale hain. Hello. थोड़ी देर बाद हमने रियलाइज़ किया कि यहाँ से जंप करना वुड बी एब्सोल्यूट स्टूपिडिटी, तो ये एक्चुअली करता कौन है. एंड दैट इज़ व्हेन वी फिगर्ड आउट कि यहाँ से आप जंप नहीं कर सकते, बट देर आर दीज क्रेजी जंपर्स हु सिट हियर एंड यू कैन पे देम अ सर्टन अमाउंट एंड दे विल जंप फ्रॉम हियर एंड शो यू. वो पर्टिकुलर व्यू पॉइंट बिल्कुल लाइट हाउस के सबसे पास में था, तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी एंड वी थॉट कि वहाँ से व्यू का मज़ा एक्चुअली उठाया नहीं जा सकता. तो वी वॉक टू दिस नियर बाय पॉइंट जहाँ से व्यू बहुत अच्छा था. As you can see, the view is stunning even from here. But यहाँ पे बच्चों की picnic चल रही थी and they were totally vibing. So we decided to vibe along with them as well. Madam is dancing and they are copying. Such fun kids. The weather has really taken a turn. We can see some lightning there. Sunset ho chuka hai. We saw gorgeous sunset. Bahut tez lightning ho rahi hai. But these kids are chilling. Walking through the streets of Gaul at night. Patti patti roads hai yahan pe. Kafi Portuguese influence hai. Heavily, heavily influenced by Portuguese architecture. Ye inki supermarket type shop hai. Yahan pe aapko pani wani sab mil jata hai, ice cream, groceries and stuff. And this is like in all the famous locations. आपको कागिल्स एक्सप्रेस मिल जाएगा. देयर आर लॉट ऑफ ज्वेलरी शॉप्स हियर फॉर सम रीजन, अ लॉट ऑफ देम एक्चुअली. दिस इज सच अ क्यूट शॉप. दे आर सर्विंग स्पेशल होममेड जिंजर बियर एंड होम कुक करी क्ले पॉट कोकोनट सांबल इन दैट. दिस इज द पुंटो कैफे. This is in Gaul Street, sorry, Gaul Fort, and we are here to have local Sri Lankan food. They have a lot of TripAdvisor awards, so hopefully काफी अच्छा होगा. छोटा सा कैफे है. We're trying the egg and cheese kottu. Kottu is their local Sri Lankan food, and we've ordered the egg and cheese version. This is the chili paste. This is supposed to be really good and spicy. So flavorful. I love the kottu. It's like rice noodles, but stickier than rice noodles.
Post dinner, we sat at this place called Ivy by Frangipani, which had an amazing vibe. The live music was so good. We absolutely enjoyed our time here. I highly recommend going to this place, especially for the live music. But the food was not that great, so maybe you can have your meal somewhere else and then decide to go here. पहले दो दिन श्रीलंका में इतनी फटाफट निकल गए बिकॉज एवरी थिंग वॉज सो ब्यूटिफुल एंड देर वॉज सो मच टू डू बट आई थिंक आउट ऑफ ऑल द डेज डे 3 वॉज माई फेवरेट जो नेक्स्ट व्लॉग में आने वाला है सो स्टे ट्यून सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू कैन सी द इंटायर श्रीलंकन सीरीज देर इज़ अ होल लॉट मोर कमिंग सो हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ एंड इफ यू इन्जॉय दिस वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स दिस इज़ भुक्कड़ घुमक्कड़ सुर साइनिंग ऑफ